हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपना और अपने बच्चे का एयरलाइन ट्रैवल बहुत ही इजी और इन्जॉयबल बना सकते हो। फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चे के साथ अभी वो 3 साल का है, अभी तक मैंने एटलीस्ट 5 to 6 times मैंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया है, सो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है। और लास्ट टाइम तो मैं अकेले ही आई थी उसके साथ, सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा था। सो मैंने जो है काफ़ी अपने एक्सपीरियंस लेने के बाद ये वीडियो बनाया है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ है टिकट बुक करना। तो जब आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे होंगे तो आप ध्यान रखें कि आप इफ़ पॉसिबल बच्चे के नैप टाइम के अराउंड आप अपना टिकट बुक करें। सो उससे क्या होगा कि जब आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड करोगे, जब आप बैठोगे एरोप्लेन में, तो उस टाइम पर उसका नैप टाइम अगर होगा तो वो सो जाएगा और उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये जर्नी। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे होंगे तो आप प्रेफरेबली विंडो सीट ले या आइल सीट ले। आइल सीट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पे करना पड़ता है, और अगर आपने आइल सीट नहीं लेनी है तो एटलीस्ट विंडो सीट ले, क्योंकि जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, एग्जाम्पल अगर 1 साल से ऊपर है या 1.5 साल से ऊपर है, तो विंडो के बाहर देखना बहुत इन्जॉय करते हैं, स्पेशली अगर डे टाइम है तो। सो उससे क्या होगा कि उनके लिए एक बहुत फ़न एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 month का है या 1 year के नीचे है, फिर इट डज़न्ट मैटर दैट मच, बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि विंडो सीट जो है वो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। और अगर आपको बच्चे को सुलाना है तो आप आइल सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी जो होता है एयरलाइंस एक बैसिनेट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप बैसिनेट में बच्चे को अपने सुला सकते हो। पॉइंट ये है कि आप जब अपना टिकट बुक करें तो प्रेफरेबली आप एक डायरेक्ट फ़्लाइट लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने बीच में एक स्टॉप लेके फिर चेंज करनी है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है और आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो इफ़ पॉसिबल आप हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट्स ही चूज़ करें। फ्रेंड्स, लास्टली जब आप टिकट बुक करोगे तो आपको इन्फेंट टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा छोटा है तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब टिकट्स बुक कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो चार्ज नहीं करते हैं और आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। इस चीज़ के बारे में जो है आप क्लैरिफिकेशन ले ले अपने एयरलाइन से कॉल करके। इन्फेंट टिकट अराउंड, जब मैं गई थी तो अराउंड 3000 उन्होंने चार्ज किया था। सो यूजुअली जो है अगर आपका बच्चा इन्फेंट है तो वो इन्फेंट टिकट आपको लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम टिकट्स बुक करते टाइम ही वो आपको चार्ज कर लेते हैं, बट अगर इन केस उन्होंने नहीं किया है तो इस चीज़ को डेफिनेटली अपने एयरलाइन से कन्फर्म कर ले, ताकि आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद मुश्किल ना हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है पैकिंग। सो जब आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको बच्चे का सामान लेना पड़ेगा। सो पैकिंग बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी को ईजी करने के लिए। आप जितना हो सके कम सामान ले, स्पेशली अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। अगर तो आपके साथ कोई है फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो आपके पास जो बैग है, स्पेशली जो कैबिन बैग है, वो बिल्कुल हल्का हो, ताकि आप बच्चे पे फोकस कर सके, आपको लगेज का जो है ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। गाइस, इफ़ पॉसिबल आप अपना बैग जो है 4 से 5 दिन पहले ही पैक कर ले, क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है हमेशा इतनी सारी चीज़ें होती हैं उनकी कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो अगर आप पहले ही पैकिंग फिनिश कर लोगे तो आपको एंड मोमेंट पर जो है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगा। आपने एक चेकलिस्ट बनानी है जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो पैकिंग के टाइम पर, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। मैं जब मेरे बच्चे के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं यूजुअली एक्स्ट्रा डायपर्स कैरी करती हूँ, बिकॉज़ बच्चे कभी कभी एयर प्रेशर की वजह से ज़्यादा पूप कर देते हैं या अंदर एयर कंडीशनिंग होती है तो वो ज़्यादा सूसू कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा डायपर्स हो, आपके पास वाइप्स होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। डायपर, रैश क्रीम अपनी कैरी करें, डिस्पोजेबल बैग्स कैरी करें, कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग कैरी करें, क्योंकि कभी कभी आप एयरक्राफ्ट में बैठोगे अपनी सीट पे, सो बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। बहुत ही रेयर है, बट स्टिल ऑलवेज कैरी 1 or 2 प्लास्टिक बैग्स विथ यू, ताकि आपके लिए इजी हो उस टाइम पे। आप अपने बच्चे के मेडिसिन ज़रूर कैरी करें। जब मेरा बेटा 3 months का था तब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्लाई किया था, और उस टाइम उसे फ़ीवर आया था, मुझे याद है। सो यू नेवर नो, कभी कभी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो है बच्चे को फीवर आ सकता है या एग्जर्शन की वजह से। तो अपने साथ बच्चे की जो बेसिक मेडिसिंस है, जैसे आप वॉमिटिंग की ले ले, आप पैरासिटामोल ले ले, आप लूज़ मोशन की वगैरह मेडिसिंस ले सकते हो। 3-4 मेडिसिंस जो है आपके पास होनी ही होनी चाहिए बच्चे की। आप अपने बच्चे के एक पैर जो है एक्स्ट्रा क्लोथ अपने साथ रखें अपने कैबिन बैग में, और अपने आप के लिए भी आप एक एक्स्ट्रा पैर रखें, क्योंकि कभी कभी जो है बच्चे आप पे कोई चीज़ गिरा सकते हैं या आप उनको चेंज करते वक्त आप पे कोई स्पिलेज हो सकता है। सो अपने और अपने बच्चे के एक पैर क्लोथ ज़रूर कैरी करें, बिल्कुल ही हल्के वाले क्लोथ।
आप अपना नर्सिंग कवर लेना ना भूले, क्योंकि जो फ्लाइट में अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपके लिए नर्सिंग कवर ईजी होगा। गाइस मेरा बच्चा जो है वो पॉटी ट्रेंड है, तो मैं हमेशा एक ट्रैवल वाली पॉटी सीट जो है वो कैरी करती हूँ अपने साथ, और जब भी मैं उसे फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले जो है उसे हमेशा सूसू वगैरह करा देती हूँ, ताकि फ़्लाइट में जो है उसे कभी इमरजेंसी ना हो। वैसे यू नेवर नो, बट स्टिल आपको एक स्टेप प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर तो आपका बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली आपको डायपर्स ही कैरी करने हैं। गाइस आप अपने बच्चे का पानी ज़रूर कैरी करें अपने साथ, आप डिपेंडेंट ना रहें कि आपको फ़्लाइट में पानी मिलेगा। आप अपना पानी आराम से कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी या चेक इन के टाइम पे। और आप अपने बच्चे का फूड जो है, स्पेशली जो भी उनका फेवरेट स्नैक्स वगैरह है, वो डेफिनेटली कैरी करें। उनके मील्स जो है कैरी करें, बिकॉज़ अगर आपका बच्चा हंग्री होगा, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, तो आप उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज़ वेल फेड, आप उसको उसका खाना टाइम पे खिलाएं, अपने साथ कैरी करें। जो आपको पता है कि ये मेरा बच्चा खाएगा ही खाएगा, उसे पक्का ये चीज़ बहुत पसंद है, वो चीज़ें कैरी करें। कोई भी न्यू चीज़ें ना कैरी करें। उनके फेवरेट स्नैक्स होने चाहिए, कुछ स्वीट्स आप ले सकते हो, बट कोशिश करो कि ज़्यादा आप मीठा जो है उन्हें ना खिलाओ, बिकॉज़ मीठा खिलाने से कभी कभी उन्हें शुगर रश हो जाता है और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उस केस में आपके लिए मुश्किल होगा उनके पीछे भागना, बट कुछ स्वीट्स डेफिनेटली कैरी करो। फ्रेंड्स अगर तो आपका बच्चा छोटा है तो उसका पैसिफायर भी आप कैरी करो अपने साथ, बिकॉज टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे जो है कभी कभी बच्चों को ईयर पेन हो जाता है, और अगर वो कुछ सक करेंगे तो उनके लिए इजी होता है। तो उस टाइम पे मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, आप भी करा सकते हो। और अगर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो आप कोई एक दो स्वीट्स कैरी कर सकते हो या उसे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो, जो भी आपको लगे कि वो चीज़ सक करता रहे और थोड़ा बहुत उसका जो ईयर प्रेशर है वो रिलीव हो जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पहुँचोगे तो आपने थोड़ा सा जो टाइम एक्स्ट्रा लेना है, मतलब अगर आपने 2 घंटे पहले पहुँचना है तो आप 2.5 घंटे पहले पहुँच जाए, बिकॉज़ बच्चों के साथ यू नेवर नो, आपको वॉशरूम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, या कभी कभी बच्चे को टैंट्रम हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आपके लिए ईजी होगा, आपके बच्चे के लिए ईजी होगा कि आप एयरपोर्ट पर जो है एक्स्ट्रा एटलीस्ट 1/2 आवर आप एक्स्ट्रा रख के चले, बिल्कुल भी लेट ना हो। आप अपने बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना ना भूले, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो कभी कभी हमें लगता है कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है गाइस। अगर तो आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसका आधार कार्ड या पासपोर्ट कुछ बना नहीं है, तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैरी कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट का एक कॉपी आप अपने साथ डेफिनेटली ले जाए, और अगर तो उसके आधार कार्ड ये चीज़ें बनी हुई हैं तो आप वो ले जाओ। गाइस एक टिप जो मेरा है, जो मेरे केस में बहुत ज़्यादा काम कर गया, वो ये है कि मैं एक सरप्राइज़ उसके लिए टॉय रखती हूँ। अगेन आपका प्रेफरेंस है, आपका चॉइस है, बट मैंने क्या किया कि जब भी मैं ट्रैवल करती थी तो बोर्डिंग के टाइम पे जो है वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता था, बिकॉज़ क्यू में खड़े होना पड़ता था या सीट पे बैठने के बाद थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल लगता था कि जगह छोटी है या ऐसे कुछ, तो मैं उसे एक हमेशा टॉय देती थी। टॉय आप ऐसा ले जिसके बहुत सारे पार्ट्स ना हो, ताकि वो गिरे ना नीचे और आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि ये पार्ट कहाँ गया, वो पार्ट कहाँ गया। एक टॉय ले, बिल्कुल सिंपल सा स्टर्डी टॉय ले, ताकि जो बच्चा है थोड़ा सा उसे एक्साइटमेंट फील हो, थोड़ा सा वो उसमें एंगेज हो जाएगा, एटलीस्ट आपका 1/2 घंटा उस टॉय के चक्कर में आपका निकल जाएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी फीडिंग बॉटल कैरी करना ना भूले। अगर तो वो सेरलैक वगैरह खाते हैं तो डेफिनेटली उनका सेरलैक कैरी करें। आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, जैसे बनाना मैश करके खिला दिया, या आप एप्पल वगैरह कैरी कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। सो मेक श्योर करें जो भी उनको खाना है वो आप अपने साथ कैरी करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपने बच्चे का प्रैम लेके जा सकते हो कि नहीं। आप डेफिनेटली लेके जा सकते हो, अगेन आप अपने एयरलाइन से कंफर्म कर लो अगर आपको डाउट है, बट जितना मुझे पता है आप अपना प्रैम इजीली लेके जा सकते हो। आप एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड करते टाइम तक अपना प्रैम अपने साथ रख सकते हो। उसके बाद जो होगा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स है वो आपसे वो ले लेंगे, और जब आप उतरोगे, जब आप बाहर निकलोगे, उस टाइम पर वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो आप अपना प्रैम कैरी, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप डेफिनेटली कैरी करो। बस मेक श्योर कि वो छोटा हो और फोल्डेबल हो, क्योंकि कभी कभी आपको सिक्योरिटी चेक इन में वो देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आप बेबी कैरियर कैरी कर सकते हो। अगर आपका बच्चा उसमें कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली बेबी कैरियर बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 2-3 साल का है, तो बेबी कैरियर में एक दूसरा ऑप्शन भी आता है, जिसमें आप टॉडलर्स को बिठा के गोदी में लेके चल सकते हो, ताकि आपको भी एक्सर्शन ना हो और बच्चा भी कंफर्टेबल रहे। बच्चे को फ्लाइट के टाइम पे आप एंगेज कैसे कर सकते हो? सो जैसे मैंने बताया, अगर तो आपने नैप टाइम के टाइम पे फ़्लाइट बुक किया है, सो विद इन 1/2 आवर थोड़ा सा बच्चा जब कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो खुद ही सो जाएगा। बट अगर तो वो उनका नैप टाइम नहीं है, तो आप कोई टॉय कैरी कर सकते हो, जो भी उनको पसंद है।
आप एक दो बुक्स कैरी कर सकते हो, कोई भी लाइट वेट बुक्स है जो उन्हें पसंद आएंगे रीड करने, आप वो कैरी कर सकते हो। आप एक ड्राइंग बुक और एक क्रेयॉन का सेट जो है वो कैरी कर सकते हो अपने साथ में। बट अगेन, आप जितना कम सामान कैरी करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो जस्ट नोटिस करें कि आपके बच्चे को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चीज़ आप अपने साथ कैरी करें, ताकि बच्चा थोड़ा सा एंगेज रहे। और जब आप फ्लाइट में बैठोगे तो आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ कि अरे वाह, हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, देखो हमें विंडो से बाहर क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप एक्साइटमेंट दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे में भी एक्साइटमेंट आएगी और वो थोड़ा सा इंगेज हो जाएगा यहाँ वहाँ देखने में। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पेशेंस मेंटेन करें, चाहे बच्चा थोड़ा सा रोए भी, आपने बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल भी एम्बेरस फील ना हो, बिकॉज जिनके बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे और जिनके नहीं हैं वो वैसे ही नहीं समझेंगे। सो बिल्कुल बॉदर ना करें कि लोग क्या सोचेंगे या कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है। सो यू नेवर नो कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एट एनी कंडीशन आपने जो है बिल्कुल काम रहना है, बच्चे को गुस्सा नहीं करना है, उनको जो है थोड़ा सा खुश रखें, हैप्पी रखें। फ्रेंड्स, जब फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले आप बोर्डिंग एरिया में बैठोगे तो इफ़ पॉसिबल आप अपने बच्चे को थोड़ा सा उस टाइम पे जो है टायर आउट कर दो, मीनिंग आप उसको थोड़ा सा थका दो, ताकि जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे थोड़े टाइम बाद वो सो जाए। आप उनको रनिंग करवा सकते हो, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करा सकते हो, ताकि वो फिज़िकली जो है थोड़ा सा थक जाए। फिर क्या होगा कि वो एरोप्लेन में बैठते ही वो सो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा सबसे लास्ट टिप यही होगा कि आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि आप क्यू में खड़े हो और आपका बच्चा थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया है, वो टायर्ड हो गया है, तो आप पूछो जाके काउंटर पे कि क्या आप मुझे थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो, बिकॉज़ मेरे साथ एक बेबी है। सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर आप चेक इन के टाइम पे हो गया या सिक्योरिटी चेक के टाइम पे हो गया, आप पूछ सकते हो कि मेरे साथ एक छोटा बेबी है तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी जाने दें। सो वो जो है आपको लाइन में जो है आगे आने दे देंगे। और अगर आपको लग रहा है आपका सामान हैवी है, आपको किसी चीज़ में उठाने में हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। एम्बेरस ना फील करे, शाय ना फील करे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेक श्योर टू रिमेन काम, रिमेन हैप्पी एंड रिमेन एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटमेंट दिखाओगे तो आपका बच्चा भी एक्साइटेड होगा, अगर आप काम रहोगे तो बच्चे को भी काम रहने में हेल्प होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये टिप्स जो हैं आपको यूज़फुल लगे हैं और आपका जो ट्रिप है वो आप बहुत इन्जॉय करें और बहुत मेमोरेबल आपका ट्रिप रहे। सो अगर आपके पास भी कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं भी कुछ सीखूं आपसे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।